वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ईद की स्पेशल डिश बनारसी सेवई। इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सारा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ये है सेवई 500 ग्राम जैसा है, उतना ही 500 ग्राम चीनी भी है, उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकती हैं जितना आपको मीठा चाहिए। देसी घी है, ये 5-6 इलायची है, उसको कूट लेना है हमें। ये खोआ है, 250 से 300 ग्राम खोआ है। ये काजू हमने काट लिया है, बादाम भी हमने काट लिया है, ये नारियल पाउडर है, ये ऑरेंज फूड कलर है, ये इलायची पाउडर है, ये और ये पिस्ता तो कुछ फ्लेक्स है। ये सारे को हम लोग एक जगह रख लेते हैं। और दूध ऑप्शनल है, थोड़ा सा लेंगे ज़रूरत पड़ने पे। और ये हमारा रोज़ एसेंस है, रोज़ वाटर। और ये हमारा मीठा अतर है थोड़ा खुशबू के लिए, आप कोई भी एसेंस ले सकती हैं। एक देगची में हम लोग सबसे पहले घी लेंगे, प्योर घी 2 कप हम घी लिए हैं। इसमें इलायची हम डाल देंगे कूट करके। उसके बाद हम सेवई इसमें डाल देंगे। घी अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें सेवई डालना है और लो मीडियम हीट पे इसको फ्राई करना है, भूनना है हमें। बहुत तेज़ आंच पे नहीं भूनना ना, ताकि सेवई ना जल जाए। धीमे धीमे आंच पे इसे भूनना है। देखिए सेवई तो भुना ही हुआ रहता है, लेकिन घी में धीमे धीमे आंच पे सेवई को भूनना। सेवई भून चुका है, इसको अलग हटा लेंगे। अब चाशनी हम लोग बनाएंगे। एक बर्तन में चीनी डालेंगे, एक लीटर जैसे पानी डालेंगे, इसमें फूड कलर मिला लेंगे, ऑरेंज फूड कलर, इसको अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि चीनी और कलर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह से बॉयल आना है और तो चाशनी बना लेना हमें। हो ये चाय बॉयल आ चुका है, चाशनी भी तैयार हो चुकी है। अब वो सेवई जो हमने अलग रखा था भून करके, उसमें डाल देना है चाशनी को। फिर इसको देखिए को चढ़ा लेना पैन चूल्हे पे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है समय की। इलायची पाउडर डाल देंगे हम। ये नारियल पाउडर है, इसको भी मिक्स कर लेना इसी के अंदर।
ये खोआ है, आधा खोआ डालेंगे हम इसके अंदर ताकि अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाए, और आधा हम खोआ गार्निशिंग के लिए रखेंगे। हाई फ्लेम पे है अभी ये सेवई, अब इसको हम लोग मीडियम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, धीमी आंच पे कर देंगे इसको। थोड़ा सा दूध डाल करके इसको हम लोग लो मीडियम हीट पे रखेंगे, और 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख के इसको ढक देंगे। देखिए सेवई हमारी तैयार है, बनारसी सेवई। कितनी अच्छी तरह से सेवई तैयार हो चुकी है। अब इसको हम लोग जितने नट्स हमने तैयार काट के रखे हुए हैं, काजू है ये, इसको हम अच्छे से तरह से ऊपर से डाल लेंगे, गार्निश कर लेंगे इससे। ये बादाम है, इसको भी हम लोग डाल लें, अच्छी तरह से फैला लें। ये पिस्ता है, पिस्ते को भी अच्छी तरीके से हम लोग डालेंगे, चादर से फैला लेंगे। इसलिए ये जो खोआ हमने आधा बचा के रखा हुआ था इसको भी ऊपर से डाल लेंगे। जितना ये दिखने में खूबसूरत लग रहा है उतने खाने में भी अच्छा लगेगा। हर घर में सेवई बनती है, ये हमारी शान है सेवई ईद के लिए। इसके बाद हम लोग इसमें रोज़ वाटर डालेंगे, दो ढक्कन डालेंगे, 10 ग्राम जैसा होगा। फिर ये मीठा अदरक है, 2-3 बूंद डालेंगे। फिर ये उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको और आपकी फैमिली को ईद मुबारक। आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।